जी नमस्कार। शुरू करूं उससे पहले एक कन्फर्मेशन कि भाई कहा था वीडियो नहीं बनाऊंगा, फिर बना रहा हूं। रीज़न बस इतना सा है कि दो मेजर चेंजेज हुए हैं और चेंजेज के बाद आपके मैसेज आए कि सर बना दो बना दो। क्या होगा? दो मेजर चेंज क्या है? एक तो ये कि डिप्लोमा वर्सेस बीटेक की एक केस महाराष्ट्र में चल रहा था, जिसका जजमेंट आया है 10 मई को। उस जजमेंट को डिस्कस करेंगे। दूसरा जो केस यूपी में चल रहा है, वहाँ पे जो रिक्रूटिंग बॉडी है, जैसा मैसेज आप लोगों ने किया है, मेरे पास पूरी डिटेल, मतलब पूरी उसकी पीडीएफ नहीं है, कटिंग शेयर हुई थी बच्चों की तरफ से, जिसमें जो रिक्रूटिंग बॉडी है उसने ये मान लिया है कि डिप्लोमा एलिजिबल होगा, बीटेक नहीं। वही रिक्रूटिंग बॉडी जो पहले बीटेक वालों को मेल करती थी कि आप एलिजिबल हो, तो ये फ्लोट आते रहते हैं। राजस्थान वाला क्लासिकल केस मैंने बताया था कि सब कुछ बीटेक के फेवर में होते हुए भी बीटेक हार गया था। रिक्रूटिंग बॉडी कहती थी बीटेक चाहिए, जिस डिपार्टमेंट का रिक्रूटमेंट था वो कहता था बीटेक चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल जो देखता है इन सर्विसेज को, रिक्रूटमेंट रूल को, वो कहता था कि बीटेक चाहिए। जो कोर्ट ने कमेटी बनाई वो कहते थे कि बीटेक चाहिए, फिर भी बीटेक सिंगल बेंच में हार गया। वो मैटर डबल बेंच में चल रहा है, आपका यूपी का भी चल रहा है, और महाराष्ट्र में आईटीआई इंस्ट्रक्टर, आईटीआई में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी थी, उसका भी मैटर कोर्ट में गया था। एग्जैक्टली कोर्ट में नहीं, ट्रिब्यूनल में। ये मैटर बेसिकली, ये जजमेंट किसका है? कोर्ट का नहीं है, ट्रिब्यूनल का है। आप कहोगे ये क्या बला है भाई, ट्रिब्यूनल क्या होती है? मैं थोड़ा सा आपको बताते चलूं रेफरेंस के लिए कि सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने भी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कई सारे मैटर के लिए ट्रिब्यूनल्स बना रखे हैं, ताकि कोर्ट के केसेज कम हो, कोर्ट पे बर्डन कम रहे, मैटर ट्रिब्यूनल में जाए और जल्दी हो जाए, क्योंकि वहां पे लिमिटेशन होता है कि भाई इतने टाइम में आपको जजमेंट सुनाना है, ऑर्डर पास करने ही होते हैं, तो मैटर जल्दी रिजॉल्व होता है, उसके लिए ट्रिब्यूनल बनाया गया। वैसे ही महाराष्ट्र में सर्विस से रिलेटेड मैटर के लिए एक ट्रिब्यूनल है, महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, मैट कहते हैं इसको। महाराष्ट्र में सर्विस से रिलेटेड कोई मैटर होता है, उसको पहले कोर्ट इंटरटेन नहीं करेगी, आप कोर्ट में लेके जा ही नहीं सकते हो। ट्रिब्यूनल है तो आपको पहला अपील ट्रिब्यूनल में ही करना पड़ेगा। ट्रिब्यूनल के जजमेंट आने के बाद अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप कोर्ट मूव कर सकते हो, उससे पहले नहीं। इसलिए यह मैटर ट्रिब्यूनल में गया, अब ट्रिब्यूनल का जजमेंट आ गया है। क्या आर्ग्यूमेंट हुआ, किस आर्गुमेंट को कोर्ट ने मेरिट माना और उसके बेसिस पे जजमेंट सुना, ये सारी बातें मैं आपको वन बाय वन बता देता हूं। पर आप चाहे डिप्लोमा से हो चाहे बीटेक से हो, आपको एक बार ये जजमेंट पढ़ना चाहिए, आपको सीखने को काफी कुछ मिलेगा और दोनों टाइप के आर्गुमेंट भी आपको मिलेंगे। कोर्ट किसको कंसिडर किया वो भी आपको मिलेगा, ट्रिब्यूनल जिसको कंसिडर किया वो भी आपको मिलेगा। आप खुद नहीं पढ़ पा रहे हो तो अपने लॉयर के साथ शेयर करो, ये जजमेंट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहां से आप ले सकते हो। उसको अपने लॉयर को शेयर करोगे तो जरूर वो रेफरेंसेस देने होते हैं, उसमें भी ये हेल्प करेगा, ठीक है। अब यूपी का क्या होगा वो तो नहीं पता, राजस्थान का क्या होगा वो तो नहीं पता, इसका हो गया है तो इसका डिस्कशन कर लेते हैं। ये मैटर है आईटीआई में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी का। ये वैकेंसी आती है, उससे रिलेटेड जो रिक्रूटमेंट रूल होता है उसमें क्वालिफिकेशन डिप्लोमा मेंशन होता है एज यूजुअल, बाकी दो केसेज भी वैसे ही है। पर जो एडवर्टीजमेंट आता है, एडवर्टीजमेंट में एक लाइन में मेंशन होता है कि हायर डिग्रीज में एलिजिबल है, एक लाइन में मेंशन होता है कि इसमें हायर क्वालिफिकेशन एलिजिबल है, जैसा कि राजस्थान वाली केस में हुआ। यह यहां पे मेंशन है संबंधित व्यवस्था, या मराठी में मेंशन है कि इसमें उच्च क्वालिफिकेशन एलिजिबल है। वैकेंसी कंप्लीट हो जाती है, मतलब एग्जाम हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, अपॉइंटमेंट जब आना होता है तो डिप्लोमा इस केस को ट्रिब्यूनल में लेके चला जाता है। तो डिप्लोमा हो गया एप्लीकेंट, फर्स्ट रिस्पोंडेंट कौन हो गया? वो बॉडी जो ये रिक्रूटमेंट करा रही है। डिप्लोमा के जो लॉयर थे उनका आर्गुमेंट था एज यूजुअल, जो हर जगह का आर्गुमेंट होता है कि भाई रिक्रूटमेंट रूल में डिप्लोमा मेंशन है, इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा है, और जो बीटेक करते हैं उनके पास डिप्लोमा तो है ही नहीं, तो मतलब वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन को फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो वो एलिजिबल नहीं होने चाहिए, एक चीज। दूसरा आर्गुमेंट भी दिया गया कि जो ये जॉब है, जॉब की जैसी प्रोफाइल है, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर की जॉब है, तो बीटेक के पास वो एक्सपोजर नहीं होता है कि ये जो टेक्निकलिटी होती है या ये जो टेक्निकल स्किल्स होती है जो बच्चों को सिखानी होती हो। उन्होंने कहा कि जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर होता है डिप्लोमा का, रिलेटिवली प्रैक्टिकल एक्सपोजर ऑफ बीटेक ऑन दिस रिलेटिव फील्ड वो कम होता है बीटेक का, इस वजह से बीटेक एलिजिबल नहीं होना चाहिए। मतलब उन्होंने ये शॉर्ट कहा कि जो पोस्ट है
उसकी प्रोफाइल भी हमें कंसिडर करना चाहिए जब हम रिक्रूटमेंट डिसाइड करें। तो दूसरी चीज ये कहा गया कि गवर्नमेंट ने जो रिक्रूटमेंट रूल बनाए हैं, अगर उसमें बीटेक या हायर क्वालिफिकेशन एलिजिबल नहीं है तो आर्बिट्री तरीके से बीच में जो रिक्रूटिंग बॉडी है वो हायर क्वालिफिकेशन को एलिजिबल नहीं कर सकती है, हायर क्वालिफिकेशन को एलिजिबल नहीं कर सकते, डाल नहीं सकते हैं। ये तीन बेसिक जो आर्गुमेंट थे वो डिप्लोमा की तरफ से, और इसके लिए कई सारे केसेस के रेफरेंस दिए गए, जजमेंट दिए गए कि यहाँ पे ऐसा हुआ था तो कोर्ट ने ये जजमेंट दिया, मतलब डिप्लोमा के फेवर में जजमेंट दिया, यहाँ पे ऐसा हुआ तो ऐसे हुआ। अब जब बीटेक इसमें करता है, एक तो जो गवर्नमेंट रिस्पोंडेंट होते हैं वो होते ही हैं, और बीटेक थर्ड पार्टी होता है, ठीक है, मतलब थर्ड पार्टी होती है एक जो बीटेक को फेवर कर रही होती है, उनका भी इसमें आर्गुमेंट आता है और गवर्नमेंट का आर्गुमेंट आता ही है। गवर्नमेंट का पहला आर्गुमेंट कि भाई गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो क्वालिफिकेशन को चेंज कर सकते हैं, मतलब जो रिक्रूटिंग बॉडी है या जिस डिपार्टमेंट की वैकेंसी है वो चेंज कर सकते हैं, हमें बीटेक की रिक्वायरमेंट है इसलिए हमने एडवर्टीजमेंट में साफ साफ क्लियरली मेंशन कर दिया है। पर डिप्लोमा का इस पे आर्गुमेंट था कि आप ऐसे आर्बिट्री तरीके से क्वालिफिकेशन को चेंज नहीं कर सकते, ये तो किसी का फेवर लेना हो गया, ठीक है। पर कोर्ट ने ऐसा, मतलब ट्रिब्यूनल ऐसा माना कि वो किया जा सकता है अगर जो रिक्रूटिंग बॉडी है जिनके पास ये पावर है, यहां पे ध्यान रखना रिक्रूटिंग बॉडी भी वही है जो रिक्रूटमेंट करा रही है और उसी डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट हो रहा है, दोनों एक ही है। कई सारे केस में वो अलग होते हैं, रिक्रूटिंग बॉडी अलग होती है, जिस डिपार्टमेंट की वैकेंसी वो अलग होता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पे दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो ये कहा गया वो चेंज कर सकते हैं, तो मैटर वहां पे हो गया कि भाई वो चेंज करने का पावर है उनके पास, वो चेंज कर सकते हैं। उस लीगलिटी में नहीं गया कि चेंज करने का प्रोसीजर क्या होता है, कि पहले रिक्रूटमेंट रूल में चेंज करो फिर वो गजट में पब्लिश करो, उस चीज पे नहीं गया, गया कि वो प्रोसीजर फॉलो हुआ या नहीं हुआ, उसको चैलेंज भी नहीं किया गया था, चैलेंज भी नहीं किया गया था तो उसको देखा भी नहीं गया, ठीक है। बस ये मान लिया गया कि इनके पास पावर है चेंज करने का, डजंट मैटर कि वो ड्यू प्रोसीजर फॉलो किया गया कि नहीं किया गया, इन्होंने चेंज कर दिया, इनको जरूरत थी, काम खत्म। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये कि जो स्किल्स है ये क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के लिए वो डिप्लोमा के पास है, बीटेक के पास नहीं है। इसका मतलब जो बीटेक की तरफ से लॉयर थे उनको, उनका कहना ये था कि बाय डिफॉल्ट या एग्जैक्ट वर्ड है प्रीअज्यूम्ड, ये प्रीअज्यूम्ड होता है कि अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो सेम फैकल्टी की जो लोअर क्वालिफिकेशन होती है उसकी स्किल्स आपके पास होती है, और कहीं भी किसी भी नोटिफिकेशन में जो टेक्निकल बॉडी रेगुलेटिंग बॉडी है टेक्निकल क्वालिफिकेशन के, उन्होंने कहीं ये मेंशन नहीं किया है कि डिप्लोमा के पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू बीटेक, तो इस चीज को आधार नहीं बनाया जा सकता कि चूंकि मतलब बीटेक के पास वो एक्सपोजर नहीं है इसलिए उनको एलिजिबल नहीं किया जाना चाहिए, कोर्ट ने माना। इसके अलावा भी कई सारे आर्गुमेंट दिए, पर मैं वो आर्गुमेंट बता रहा हूं जिसको मेरिट बना के जजमेंट दिया गया है, या जिन आर्गुमेंट को कोर्ट ने मेरिट बनाया है अपने जजमेंट के लिए, ठीक है। बाकी फेवर में और डिप्लोमा के फेवर में, बीटेक के फेवर में बहुत सारे आर्गुमेंट और जजमेंट प्रीवियस ईयर के दिए गए हैं। दूसरी बात ये मैंने आपको बताया ही, एक सिक्का के दो पहलू। कई जगह कोर्ट ये ले लेता है कि रिक्रूटमेंट रूल में ये मेंशन है कि बीटेक, अरे डिप्लोमा इज द एसेंशियल, तो बीटेक को एलिजिबल नहीं माना जाना चाहिए। पर यहां पे ट्रिब्यूनल ने कहा यह बात ठीक है कि रिक्रूटमेंट रूल में मेंशन किया गया है कि डिप्लोमा एलिजिबल नहीं होगा, पर यह मेंशन नहीं किया गया है कि बीटेक एलिजिबल नहीं होगा। डिप्लोमा एलिजिबल होगा पर यह मेंशन नहीं किया गया कि बीटेक एलिजिबल नहीं होगा। एग्जैक्ट वर्ड उन्होंने ये कहा कि हायर क्वालिफिकेशन का मतलब डिसक्वालिफिकेशन नहीं होता है। क्या कहा गया कि हायर क्वालिफिकेशन का मतलब डिसक्वालिफिकेशन नहीं होता है। अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो बाय डिफॉल्ट आप एलिजिबल होते हो, उसके लिए मेंशन होना जरूरी नहीं होता है। जैसे मैंने कहा कि दैट इज प्रीअज्यूम्ड कि हायर क्वालिफिकेशन में लोअर क्वालिफिकेशन की स्किल्स या वो प्रोफाइल या डिजायरेबिलिटी होती है, ठीक है। कई जगह कोर्ट ये मानती है कि आपका मेंशन नहीं किया गया इसलिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। यहां पे ये माना गया कि मेंशन नहीं किया गया ये ठीक है, पर ये भी तो मेंशन नहीं किया गया कि बीटेक को नहीं लेना चाहिए। तो जब ये मेंशन नहीं किया गया तो बीटेक को लिया जा सकता है, चूंकि एडवर्टीजमेंट मेंशन किया गया है, या जो बॉडी रिक्रूट कर रही है या जिसका रिक्रूटमेंट हो रहा है वो मानते हैं कि हमको बीटेक चाहिए, तो फिर कोई इशू नहीं है। कोर्ट ने इन सब चीजों को देखते हुए ये जजमेंट जो है बीटेक के फेवर में दिया कि बीटेक इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। एक और स्ट्रांग आर्गुमेंट था बीटेक की तरफ से कि अगर मतलब बीटेक के लॉयर की तरफ से कि अगर डिप्लोमा को ऑब्जेक्शन था तो जब वैकेंसी आई थी, जब इसका एडवर्टीजमेंट आया था,
तभी उन्होंने अप्रोच क्यों नहीं किया ट्रिब्यूनल में या लीगल केस फाइल क्यों नहीं किया जब इस वैकेंसी का पूरा प्रोसेस कर लिया गया, दो दो एग्जाम हो गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए, जब अपॉइंटमेंट की बारी आई तो इन्होंने ऑब्जेक्शन क्यों रेज किया। मतलब यहाँ पे ये माना गया कि पहले तो आपने एग्जाम दिया, जब आप सेलेक्ट नहीं हुए, जब आपको लगा कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा मेरिट बेसिस पे, तो आपने केस फाइल कर दिया। ये भी डिप्लोमा के फेवर में नहीं गया, ये आर्ग्यूमेंट डिप्लोमा के फेवर में नहीं गया, बीटेक के फेवर में गया। और अल्टीमेटली इन सब चीजों को कंक्लूड करते हुए ट्रिब्यूनल ने ये कहा कि बीटेक इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और फिर आई थिंक सो, मुझे करेक्टली याद नहीं आ रहा कि 4 वीक का टाइम है डिप्लोमा के पास कि ये केस, इस केस को वो महाराष्ट्र हाई कोर्ट में लेके जा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि पहले ट्रिब्यूनल में जाना पड़ता है, वहां के केस से आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप, या वहां के ऑर्डर या जजमेंट से आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप उस चीज को लेके जा सकते हो आपके हाई कोर्ट में। अब मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि ट्रिब्यूनल बेसिकली कितना स्ट्रांग होते हैं, या इनका जो ऑर्डर होता है या मैटर होता है क्या कहीं रेफरेंस में दे सकते हैं, या इनके पास मतलब क्या अथॉरिटी होती है। तो ट्रिब्यूनल, जब आप ये एक्ट पढ़ोगे तो ट्रिब्यूनल के पास वही पावर होते हैं जो हाई कोर्ट्स के पास होते हैं। मतलब ट्रिब्यूनल इंजॉय द सेम पावर लाइक अ हाई कोर्ट। और हमारे देश में कुछ ट्रिब्यूनल तो ऐसे ही हैं, ऐसे भी हैं जिनके ऑर्डर या जजमेंट को आप हाई कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर सकते। आपको वो मैटर या ऑर्डर सीधा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंजेबल है, हाई कोर्ट इंटरटेन भी नहीं कर सकता। जैसे एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, आपने बहुत सारे पॉपुलर केस सुने होंगे कि हमारे देश में माजा बैन हो गया, दिल्ली में डीजल गाड़ियों 10 साल से पुरानी है तो बैन हो गया, या वो श्री श्री रविशंकर प्रसाद जी जो आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर हैं उनके ऊपर 10 या 5 करोड़ की फाइन लगा दी गई क्योंकि जमुना के जो फ्लड है उसमें उन्होंने कोई प्रोग्राम किया था, या बहुत सारे कंपनी के ऊपर फाइन लगाई गई। मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ फाइन लगाती है एनजीटी। तो एनजीटी तो इतना पावरफुल है कि उसके जजमेंट या ऑर्डर को आप हाई कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर सकते, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है। हालांकि कई सारे मैटर को हाई कोर्ट ने इंटरटेन किया है वो फंडामेंटल बेसिस पे कि ये फंडामेंटल राइट्स है, बट उनके एक्ट में साफ साफ मेंशन है कि इनके जजमेंट को आप केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, वो भी सारे को नहीं, मतलब कुछ लिमिटेशन है, और वो ह्यूज फाइन भी लगाते हैं। तो ये ट्रिब्यूनल का पावर होता है, ये एक तरह से कोर्ट के जैसे ही एक्ट करते हैं। और यहाँ पे जो चेयरमैन या वाइस चेयरमैन बनाए जाते हैं जो इस मैटर को देखते हैं वो भी रिटायर्ड होते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से, या फिर उनके पास वो एलिजिबिलिटी होना चाहिए कि वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट हो सके। ये अलग अलग ट्रिब्यूनल के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होता है, और जो पोस्ट होता है कि मेंबर कौन अपॉइंट हो सकता है, चेयरमैन कौन अपॉइंट हो सकता है, उसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया होती है। पर वो क्राइटेरिया मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट के इक्विवेलेंट होती है नियरली, या इन जनरल सारे ट्रिब्यूनल में। तो ये पावरफुल जजमेंट्स होते हैं, ऐसा नहीं कि ट्रिब्यूनल का जजमेंट है इसके कोई वैलिडिटी नहीं है, रेफरेंस इनके भी दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको जरूर रीड आउट करना चाहिए, इसको अपने लॉयर को भी देना चाहिए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में, पर्सनल मैसेज करना हो तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम। चलिए, ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।